नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। शिवराज सरकार के अमेरिका मॉडल की पोल खोलती रीवा के त्योथर नगर पंचायत की बदहाल सड़कें। त्योथर से राजापुर मेन रोड पहुंचने का यह रास्ता, जहां करीब सैकड़ों गांव के हजारों राहगीरों का 24 घंटे आवागमन बना रहता है, वहीं रास्ता त्योथर के लगभग 900 वर्ष पुराने श्री राम जानकी मंदिर तक पहुंचने का मार्ग भी है। इस रास्ते की हालत क्या है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे। आपको बता दें कि राजापुर सहित लगभग 100 ग्राम पंचायत के किसी भी निवासी को बीमार हो जाने पर सिविल लाइन अस्पताल पहुंचने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। आज जो वायरल वीडियो आप देख रहे हैं, यह घटना उसी पकडंडी रास्ते की है, जहां पर बरसात में हालात ऐसे हो चुके हैं कि आदमी पैदल तक नहीं चल सकता। जब राजापुर के निवासियों को गांव के ही एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाना पड़ा, तब एम्बुलेंस समय पर ना आने के कारण ग्रामीण वासियों के द्वारा बीमार व्यक्ति को खाट पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उक्त रास्ते के निर्माण के लिए पहले भी कई बार ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय प्रशासन सहित जिला प्रशासन को आवेदन के माध्यम से बताया गया, किंतु अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने के कारण आज ग्रामवासियों को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी टीम ने ग्रामवासियों से चर्चा की, तब पता चला कि यह रास्ता विगत 100 वर्षों पुराना है। इस रास्ते के निर्माण के लिए ग्रामीणों ने कई बार निवेदन किया, लेकिन कुर्सी में बैठे भ्रष्ट शासन प्रशासन के कारण आज तक इसका निर्माण नहीं हो पाया। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों से बेहतर कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ रीवा जिले के हर विधानसभा में खराब सड़कों की वजह से प्रतिदिन लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज संचार क्रांति की वजह से इन घटिया सड़कों पर परेशान ग्रामीणों की वीडियो काफी वायरल हो रही है, अन्यथा देश के अन्य हिस्सों में बैठी जनता को इन मासूम ग्रामीणों की पीड़ा के बारे में कभी पता नहीं चल पाता और देश के लोग मान लेते कि वाकई में मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। इस वीडियो को देखने के बाद साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका मॉडल की जमीनी हकीकत क्या है। आए दिन ग्रामीणों को इन खराब सड़कों से गुजरना पड़ता है, जिससे लोगों के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है। जब द खबरदार न्यूज ने यहाँ की जनता से बात किया, तब लोगों ने कहा कि त्योथर में विगत 4 पंचवर्षीय से भाजपा की सरकार रही है, परंतु विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ धोखा मिला है। चर्चा के दौरान लोगों ने बताया कि इसके पहले विगत वर्ष बरसात के समय में प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी, तब हमारे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की गांधी जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रीवा जिले के सांसद सहित 8 विधानसभा के विधायकों का आगमन हुआ था। तब भी ग्रामवासियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यक्रम स्थल में गए हुए थे, किंतु कोई भी नेता मंत्री हमारी मांगों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और ना ही आज तक कोई भी नेता मंत्री हमारी स्थिति भी देखने को तैयार। ऐसे में हम सोच नहीं पा रहे हैं कि यदि हमारी समस्याओं का समाधान हमारे विधायक, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, तो क्या हमें किसी अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सहायता मांगनी पड़ेगी। जनता ने कहा कि अगर जल्द ही हमारी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो हम जन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं रीवा त्योथर से हमारे रिपोर्टर आशुतोष शुक्ला की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आज आप लोग ये खाट में ले जाकर अभी मरीज लेके जा रहे थे, ये कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? राजापुर पंचायत से। रास्ता नहीं है क्या आप लोग घर तक के लिए? कहाँ है रास्ता, होता तो मरीज लेके हम लोग गिरते। ये नगर पंचायत में आता है ग्राम पंचायत में रास्ता? ये नगर पालिका में आता है। आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत 2-4 बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहाँ तक आप लोगों ने शिकायत किया इसकी? CMO तक किया, कलेक्टर तक किया, सांसद जी तक। अच्छा, मरीज को क्या हो गया है? मरीज को बुखार है, तेज बुखार होने के कारण दवा कराने ले जा रहे हैं। आपके यहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती क्या, कि इस कच्चे इतने घटिया रास्ते से आप लेके आ रहे हैं? एक घंटा पहले फोन किए थे तो बोला कि आएंगे, नहीं आया तो फिर हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। खराब है, वहाँ नहीं आएंगे। रास्ते से अगर मेन रोड से अगर आपको हॉस्पिटल जाना, कितना दूर पड़ता है? 2 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर, 6-7। ये वाला रास्ता आपको कितना पड़ता है अगर अस्पताल जाना?
और यहाँ बच्चे बच्चे भी आते हैं क्या स्कूली? इधर से निकलते हैं स्कूली बच्चे आते हैं। हमारा गांव का निस्तार 2000 पब्लिक का रोजाना आना जाना। लगभग ये रास्ता कब से संचालित है? करीब 200 साल पहले से हम लोग के बाबा पुरखा से चल रहा है ये रास्ता। अच्छा, आप क्या करते हैं? खेती किसानी करते हैं। तो फिर आपका गल्ला और ये सब सामान भी इधर ही से जाता है कि उधर से घुमा के ले जाते हैं? इधर से हम लोगों को कम जाता है, हम लोग तो वहाँ के निवासी हैं, मरीज उरीज लेके जाते हैं। कहाँ के लिए आप लोग? और यही रास्ता है? यही रास्ता, ये सरल पड़ता है। देखिए ये है सर, लड़कन का अस्पताल अगर ले जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका घूम के ले जाए तभी अस्पताल पहुँचा। बीमार लड़का बतावा, बुखरियान है।